नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। लखवी मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड, अमेरिका ने पाक को दिए सबूत। कुख्यात आतंकी और लश्कर ए तैयबा का ऑपरेशंस कमांडर जकी उर रहमान लखवी ही वर्ष 2008 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। इस बात की पुष्टि करते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ उसके संलिप्त होने की संबंधी सबूत भी साझा किए हैं। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को लखवी के बारे में विश्वसनीय सबूत दिए हैं। अमेरिका ने मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों में शामिल लोगों के बारे में जो सूचना मुहैया कराई है वह डेविड हेडली के साथ पूछताछ और उससे मिली जानकारी पर आधारित है। हेडली मुंबई हमलों में संलिप्त मामलों में इस समय जेल में है। अमेरिका की कई सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया इकाइयों ने मुंबई आतंकवादी हमलों के बारे में जांच की है। आप में सुलह के संकेत, प्रशांत भूषण का केजरीवाल को संदेश। आपके भीतर दो विरोधी गुटों के बीच सुलह के संकेत देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशांत भूषण ने कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करना चाहते हैं, ताकि उस गतिरोध को समाप्त किया जा सके जिसमें उन्हें और योगेंद्र यादव को पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति से निकाल दिया गया था। भूषण ने कहा कि यदि केजरीवाल उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वह और यादव उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं। भूषण ने कहा कि मैंने अरविंद को संदेश भेजकर कहा है कि उम्मीद करता हूं कि वह जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी में रहकर बेहतर महसूस कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं उनसे जल्द से जल्द मिलना चाहता हूं, ताकि हम मिलकर और बैठकर उत्पन्न हुई इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर सके। विधायक ने किया भद्दा इशारा, मार्शलों ने बाहर निकाला। कर्नाटक विधानसभा में सोमवार को उस समय अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक कांग्रेस विधायक रमेश कुमार का विधानसभा अध्यक्ष थिमप्पा के साथ विवाद हो गया। वह जेडीएस के दो सदस्यों के साथ अध्यक्ष की कुर्सी के पास आकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान जेडीएस विधायक मंजुनाथ गौड़ा ने भद्दे इशारे भी किए। विधानसभा अध्यक्ष ने गौड़ा को भद्दे इशारे करने और चिक्कबल्लापुर तथा कोलार जिलों में पेयजल की समस्या को लेकर उनके साथ हुई बहस के बाद मार्शल की मदद से उन्हें बाहर निकालने का आदेश दिया।